हेलो हेलो। तो आज शो मैं तुमको बता चुका हूँ शेड्स ऑफ ग्रीन जो कि होने वाला है दिनेश हॉल में। सब लोग पहुँच चुके हैं, बस कुछ एक्टर्स हैं जो अभी नहीं आए। मुझे कुछ जो आर्मी वालों की बात गजब बेइज्जती है, चीज़ लेने के लिए भेजा गया है प्रयोगशाला। तो जैसी जैसी अपडेट होगी वो आपको बताता रहूँगा जो भी हो। अभी कितने 4 या 4:30 हो गए हैं। ये रहा बाहर से दिनेश हॉल। अभी आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको आगे सब कुछ बताता रहूँगा इस के बारे में जो भी होगा। तो हेम भाई बता रहे हैं सबको मार्किंग के बारे में, और मतलब टेबल वेबल सेट तो हो ही चुकी है, और जहाँ कबीर बैठा है वहाँ हमारा लास्ट वाला सीन होने वाला है विशाल सर का। यहाँ पे हेम भाई देख रहे हैं कि जब ऋषभ नीचे गिरेगा तो उनको सर में चोट तो नहीं आएगी, ये राधिका मैम को बता रहे हैं। और लाइट का सेटअप थोड़ा बहुत बाकी है, यहाँ पे लाइटिंग, यहाँ पे साउंड का चल रहा है। आई होप ऑडियंस खूब सारी रहे। तो अभी लाइट टेस्टिंग हो रही है, और जो सर का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन अभी जो मतलब जो एक्टर्स हैं वो अपने मेकअप या फिर कॉस्ट्यूम के लिए पीछे गए हैं। ये क्या खरगोश वाले कांड। पूरा सेट हो चुका है, सब कुछ, बस लाइटिंग का थोड़ा बहुत बाकी होगा और साउंड का। अभी जो हो रहा था वो साउंड चेकिंग हो रही थी कि ऑडियंस तक यहाँ से स्टेज पे आवाज पहुंचेगी कि वहां पे नहीं। हाय, तो शो शुरू होने में कम अभी 15 से या 20 मिनट बाकी है, तो मैंने सोचा मैं तुम लोगों को कुछ बता दूं। बस कुछ देर बाकी है और सारे एक्ट्रेस तैयार हो चुके हैं, सबका मेकअप हो चुका है। मैंने सिर्फ अपने बाल को मतलब सही करा और ये शर्ट पहनी है, ज़्यादा नहीं करा मैंने। और बहुत मस्त शो होने वाला है, बहुत मस्त। सब लोग थोड़े से नर्वस हैं क्योंकि स्टेज पर जाने से थोड़ी बहुत नर्वस होती है सबको, लेकिन मैंने जितना हो सका इस ब्लॉग में मैंने कलेक्ट करने का जो भी वीडियोस थे मैंने कर पाया। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया क्योंकि आवाज़ भी मैं इतनी नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि बाहर लोग शायद होंगे तो वो कुछ ना बोले कि यहाँ क्या कर रहा है तू, शो शुरू हो रहा है। तो मैं तुमको मिलता हूँ शायद। तो शो खत्म हो चुका है, और सॉरी मैं तुमको वीडियोस नहीं दिखा पाया, सिर्फ फोटोज ही। सो गाइस, आपने इसको
हमारे प्ले में देखा होगा, चामी एज अ शिखा। तो शिखा बताइए। हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें देखी होंगी हमारे नाटक में से। तो ये नाटक का नाम था शेड्स ऑफ ग्रीन, और ऐसे ही नाटक होते रहता है इंडी प्रोडक्शन में, प्रयोगशाला में। तो आप ज़रूर आइएगा देखने। हमारा भी एक नाटक है जायज हथियारे, जिसमें फुरकान भाई भी है, तो आप ज़रूर आइएगा देखने। और सबसे मतलब मैं बताऊं तो मुझे अपने दोस्त के साथ हेल्प करती एक को मतलब प्रपोज कराने में। सो हेलो, मीट जैनी एज अवंतिका। नाटक के बारे में, नाटक तो ऐसा था कि आर्मी पे था, जिसका नाम है शेड्स ऑफ ग्रीन, जिसमें मैं अवंतिका का एक कैरेक्टर करती हूँ, जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर से शादी करने वाली हूँ और जिसके लिए मैं मरने वाली हूँ, ऐसा एक कैरेक्टर है। और दूसरा कैरेक्टर था जो आर्मी वालों की वाट लगा। तो सब कुछ खत्म होने के बाद वो फाइंड अप हो रहा है पीछे, शो ख़त्म हो चुका है। और जो मैंने तुमको पहले मिलाया था वो एक्टर्स थी जो इस प्ले की, तो शो बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा, पब्लिक भी बहुत थी, मतलब ये ऑडिटोरियम पूरा तो नहीं लेकिन आधे से ज़्यादा ही भरा था। हो सके तो मैं जल्दी नेक्स्ट शो की वीडियो लेके आऊँगा। और अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, तो हो सका तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बाद में सबने बुला। शो ख़त्म होने के बाद हम लोग आए हैं पेट पूजा करने। अभी तकरीबन रात के 1 या 12:30 हो रहे होंगे, अभी मैंने टाइम नहीं देखा। मैं बैकग्राउंड मतलब घर पे आके इस वीडियो में आवाज़ दे वॉइस दे रहा हूँ। अभी कुछ लोग मतलब टीम के कुछ मेम्बर्स हैं, एक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम लोगों से कब मतलब बहुत देर पहले आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सारी जो टीम है वो पीछे आ रही है। ये लोग पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शक्ति का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शक्ति। तो शो तो काफ़ी अच्छा रहा ही है। कुछ लोग नहीं हैं जो अपने घर पे जा चुके हैं क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना था, तो इसलिए वो जा चुके हैं। कुछ लोग बचे हैं, वो हम लोग मिल के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं शक्ति का। अब SOG लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि शक्ति का नाम है ये, मतलब प्ले का नाम नहीं है, शक्ति का नाम है ये। मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, आप लोग आगे देखें। Bueno, para volver.